नमस्कार किसान भाइयों और बहनों आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन चौपाल में किसान भाइयों हमारा देश कृषि प्रधान देश तो हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश भी कृषि आधारित प्रदेश है जहां पर 60 से पैंसठ फीसदी आबादी कृषि और उससे जुड़े सह व्यवसायों पर आधारित होती है कृषि जो सबसे श्रम साध्य और मेहनत भरा पेशा होता है यहाँ पर जो आमदनी होती है वो उतनी ही अनिश्चित होती है कम होती है ऐसे में देश की सरकार यानी केंद्र सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की जिनमें एक है किसान सम्मान निधि योजना इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना हो या फिर कई प्रकार के किसान कल्याण कार्यक्रम आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत खास मेहमान हैं हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं किसान नेता किसान पुत्र और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी सर बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में और चौपाल आपका भी स्वागत है तो जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है कृषि दर्शन और चौपाल तो हम बात करेंगे किसानों के कल्याण की शुरुआत हम यहीं से करते हैं सर कि जो किसान सम्मान निधि योजना क्या परिकल्पना थी इसके पीछे क्या सोच थी और कैसे ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है देखिए आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है पिछहत्तर वर्ष आजादी ये देश जैसा कि आपने कहा कि कृषि प्रधान देश है किसान इस देश की रीढ़ है किसान मजबूत होगा आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा इसी को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सही मायने में आज़ादी के बाद किसानों की अगर समस्या किसी ने समझी है तो पहले प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने किसान फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए जी जी. जिससे किसान कर्ज मुक्त तो जो साहूकारों के चंगुल में रहता था और पूरी मेहनत वो ब्याज में दे देता था किसान की खेती घाटे की होती थी और किसानों की जमीनें तक बिक जाती जी थी उससे मुक्ति मिली ये उनके लिए वरदान साबित हुआ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और एक कदम आगे बढ़ाकर किसानों की समस्या समझी कि आखिर में किसान की खेती घाटे की क्यों होती क्योंकि इस देश का जो किसान है वो 86% किसान सीमांत और लघु किसान है यानी छियासी प्रतिशत किसान के पास पांच एकड़ से कम जमीन है इस देश के अंदर और वही घाटे की खेती करता था कर्ज में रहता था क्योंकि छोटे किसान के केसीसी भी नहीं होते अगर होते भी हैं तो वो डिफाल्टर हो जाता है फिर वो साहूकारों के चंगुल में फंसता है वो पांच रूपए दस रुपये पंद्रह रूपये सैकड़े में कर्ज लेकर वो खेती खाद बीज और दवाई की व्यवस्था करता है और उसके कारण उसकी फसल आते से ही पहले साहूकार उसको जकड़ लेते हैं और मंडी में भी नहीं जाने देते आधी होने पौने दाम पर उसको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इसलिए वो घाटे की खेती करता इस इस समस्या को अगर किसी ने देश में में आजाद भारत में पहचाना है है तो उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जे जे। और इसलिए मैं आज मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरे देश के किसानों की ओर से क्योंकि मैं पहले किसान हूं हूं बाद में में मंत्री तो मैं भी अपनी दिल दिल भी अपनी ओर से उनको बधाई देता कि वाकई इन्होंने किसानों की समस्या समझी और ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाकर किसानों का सम्मान तो बढ़ाया ही है, है लेकिन किसानों को कर्ज से मुक्त किया है इसके कारण किसान कर्ज में रहता था औलाद को भी कर्ज में छोड़ के जाता था और कई बार आत्महत्या करता था चौबीस फरवरी दो हजार उन्नीस को आज ही के दिन प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और भूतकालीन लक्ष्य से इसको लागू किया एक अक्टूबर एक दिसंबर 2018 से लागू किया और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के साढ़े ग्यारह करोड़ किसानों के आच्छा, खातों आच्छा, में आज तक एक लाख बयासी हजार करोड़ किसानों को सीधे खाते में दिए एक पैसे का भी कहीं करप्शन नहीं हुआ नहीं तो एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी वो कहते थे मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ गांव में जाते जाते पंद्रह पैसे रह जाते हैं बीच में सत्ता के दलाल खा जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा और इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया और सीधे किसानों के खातों में राशि गई है एक लाख बयासी हजार करोड़ में बयासी पैसे भी कोई करप्शन नहीं हुआ इसके कारण किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है किसान को बीज खाद उसको कर्ज लेकर नहीं लेना पड़ता बल्कि वो इसी राशि से ले लेता है और उससे जो फसल होती है वो समर्थन मूल्य पर या अच्छे रेट जब आए तब बेच सकता है जिसके कारण किसान की आय दोगुना करने का जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य, संकल्प है वो उसमें पूरा हो हो रहा है।, है और आत्महत्याएं भी कम हुई है, है। किसान कर्ज से भी बिल्कुल हुआ बहुत तरह से और ये एक तरह से को किसानों, को किसानों को के लिए वरदान है।, है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसान भगवान के रूप में देखने के अवतारी आव... पुरुष आया है जो हमारे किसानों बिल्कुल पटेल साहब छह हजार रूपए साल के तो दिए जा रहे तीन किश्तों में जो केंद्र सरकार की ओर से उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी उस योजना का विस्तार किया वो मैं आपसे जानूंगा समझूंगा लेकिन हमारे किसान भाई इस किसान सम्मान निधि योजना पर क्या कह रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं आइए आपको वो भी सुनवाते हैं मेरा नाम दूर सिंह है मैं किसान हूँ खेती करता है प्रधानमंत्री ने पैसा देते खेती करने के लिए खाद बीज लेते खाद बीज लेते धन्यवाद प्रधानमंत्री का मोदी जी की धन्यवाद मेरा नाम शिकर सिंह है खेती करता है किसान आदमी बाकी प्रधानमंत्री पैसा डालता तो तब मैं खाद बीज लेता धन्यवाद किसान भारी खुशहाल हैं और उनकी निजी आवश्यकताएं खाद बीज अन्य आवश्यकताएं उसी से पूर्ति हो रही है कोई भी किसान इससे असहमत नहीं है कि हमें कोई परेशानी है हर किसान खुशहाल है मैं मोदी जी जो सम्मान निधि का पैसा देते हैं मेरी बहुत राहत होती है जुताई ददाई ये कुछ और खादी खाद खाद बीज का भी प्रबंध लग जाता है इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ किसान सम्मान निधि बहुत उपयोग में आती है अपने बोनी के इसमें आ जाती है अपने धान के इसमें आ जाती है और मजदूरों को काम में ले लेते हैं तो चलिए मंत्री जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब इस योजना का विस्तार किया कैसे हुआ आ, उसके पीछे आपकी भी क्या सोच थी सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की क्या सोच थी तो कैसे इस योजना का विस्तार किया देखिए शिवराज सिंह चौहान जी भी किसान के बेटे हैं मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसानों को क्या तकलीफ होती है वो हमने नजदीकी से देखा है और इसलिए जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की और उसका लाभ किसानों को जो हुआ है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो गांव गरीब और किसानों के मसीहा संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उसके कारण उन्होंने भी, भी हमने भी हमारी सरकार ने दो दो हजार करके चार हजार देने का निर्णय लिया जिससे दस हजार प्रति किसान परिवार जो छोटे किसान है पहले तो भारत सरकार ने इसमें दो हेक्टर तक के किसानों को शामिल किया था लेकिन बाद में इसको सभी को कर दिया सिर्फ इनकम टैक्स पे ही और जो सरकारी नौकरियों में हाँ, उनको, उनको छोड़कर बाकी तो अभी मध्य प्रदेश में एक करोड़ चार हजार किसान हैं जिसमें से अस्सी लाख किसान जो सीमांत तो लघु हैं उनके खातों में ये राशि दस दस हजार जा रही है और ये दस हजार कुछ लोग विपक्षी पार्टी आरोप लगाती कि दस हजार रुपटी में क्या होता है लेकिन जो लोग चांदी की चम्मच में पे, लेकर पैदा हुए उनके लिए दस हजार रुपटी हो सकते हैं लेकिन मेरे छोटे छोटे किसान किसान लिए बहुत के लिए बहुत बड़ी दस हजार है, रुपए दस लाख के बराबर उनके लिए ये वरदान है जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं आदिवासी हूँ मेरे चार बेटे हैं मेरे पास पांच एकड़ जमीन है तो एक एक एकड़ चारों बेटों के शादी हो गई वो भी अलग रहते हैं तो एक मेरे आई है तो दस दस हजार करके पचास हजार मेरे परिवार को मिल रहे हैं पचास हजार हमारी जमीन उबड़ काबड़ है असिंचित है पचास हजार की हमने जीवन में कभी फसल ही नहीं बेची ठीक बात है वो पचास हजार हमें पहले ही मिल रहे हैं और उसके कारण हम खाद बीज और दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं हमको कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है और जो फसल आ रही है वो हम जब फसल के रेट समर्थन मूल्य पे भी बेच रहे क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम पहले छोटे किसान एक हेक्टर वाले को एसएमएस करके खरीदेंगे फिर दो हेक्टर वाले को तो पहले नहीं तो पहले बड़े किसानों का खरीदा जाता था तो छोटे किसानों का नंबर नहीं लगता था तो वो ओने पौने माह में बेचते थे तो एमएसपी पर समर्थन मूल्य पे या अच्छे रेट मिलने लगे उसके कारण अच्छे रेट मिलते हैं तो हमारे रेट भी अच्छे मिल रहे हैं ब्याज है। भी नहीं देना पड़ रहा है उन्हें पौने भाव पे नहीं बेचना पड़ रहा इसलिए हमारी आय दो गुना और तीन गुना हुई है और वो भी सम्मान के साथ और सम्मान के साथ इसलिए किसान जो छियासी प्रतिशत किसान है हाँ हाँ। वो बहुत खुश है और उसके हाँ। लिए वरदान साबित हुई योजना आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी छोटे किसानों के लिए योजना बहुत, बहुत संबल देने वाली योजना है हाँ। और इससे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प किसान के आज करने करने का वो भी पूरा ठीक बिल्कुल आ, हम सर से और चर्चा करेंगे और एक और योजना के बारे में बात करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो मेरी स्वतन को किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हम्म अच्छा ये बात है हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कृषि किसान कल्याण विकास मंत्री श्री कमल पटेल जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर पीएम स्वामित्व योजना आप इसका बड़ा प्रचार करते हैं इसकी बड़ी तारीफ करते हैं इस योजना के बारे में थोड़ा सा बताइए कि, कि किसान भाइयों का जीवन इस योजना से कैसे बदल रहा है देखिए ये देश गांव और शहर मिलकर बना है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहते थे असली भारत गाँव में बसता गाँव के विकास से देश का विकास होगा ये पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए यह आजाद भारत की इन पिछोत्तर वर्ष में सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना है शहर में प्रॉपर्टी है चाहे नगर पंचायत हो नगर पालिका हो नगर निगम सीमा में तो कलेक्टर गाइडलाइन से उसकी वैल्यू होती है। प्राइवेट उसकी रजिस्ट्री होती है उसके कारण उसको जितने की प्रॉपर्टी होती है उतना बैंक से मकान बनाने लिए ऋण मिल जाता है दुकान के लिए ऋण मिलता है व्यवसाय के लिए मिलता है उद्योग के लिए मिलता है जब बैंक ऋण देती है तो प्रॉपर्टी गारंटी में रखती है तो शहर की प्रॉपर्टी की चूंकि कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू होती है और इसलिए वो, वो बैंक में ऋण गारंटी में रखकर ऋण लेते हैं तो 40 परसेंट पचास परसेंट तैतीस परसेंट सब्सिडी लेकर अपना उद्योग व्यवसाय कर सकते हैं इससे बेरोजगारी भी दूर हुई है शहरी क्षेत्र में और जो मुठ्ठी भर लोग शहर में रहते हैं वो लखपति थे वो करोड़पति अरबपति और खरबपति हो गए वही गाँव के अंदर जो हमारे गाँव है जैसे मध्य प्रदेश में गांव देश के अंदर लाख है। इन ये भी हमारे पुरखे वर्षों से गांव में रहते हैं मैं भी गांव का रहने वाला हूँ हम पैदा हुआ जब से मेरे पिताजी के पिताजी पैदा हुए जब से रह रहे हैं में, आबादी में बसता गांव, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं है हटा नहीं सकते किसी को जो जहां बसा है लेकिन मालिका हक नहीं होने से उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक रुपया नहीं है चाहे वो प्लांट एक लाख का हो दस लाख का हो एक करोड़ का हो तो एक रुपया लोन नहीं मिल सकता एक रुपये लिमिट नहीं मिल सकती एक रुपये की सालवेंसी बन बन भी भी सकती और एक रुपये की कोर्ट से जमानत भी नहीं करा सकते जबकि शहरों में ये चारों चीजें होती है इसलिए शहर विकसित हो गए गांव पिछड़ गए शहर और गांव की खाई चोरी हो गई गांव में जो किसान है सिर्फ उसको खेती करने के लिए मजबूर किया गया है किसान खेती करता है लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगा लूँ मैं आलू पैदा करता हूँ पाँच रुपये किलो बेचता हूँ आलू की चिप्स पाँच सौ किलो खरीदता हूँ मेरे बच्चों के लिए मेरा आलू पैदा हुआ मेरा पाँच रुपये में बिकाल मुझे पाँच सौ तो जीज़, मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों ना आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा लूँ मैं बैंक में जाता हूँ तो बैंक वाले कहते हैं कि खेती की जमीन खेती की जमीन आपके पास कितनी हो सिर्फ खाद भी दवाई ट्रैक्टर हार्वेस्टर मोटर पाइप इंजन के लिए ऋण मिलेगा या ना खेती करने के लिए उद्योग के लिए व्यवसाय के लिए नहीं मिलेगा अब मैं कहता हूँ गांव का मकान एक करोड़ का है मुझे एक करोड़ का लोन दे दो मेरा मकान पचास लाख लेकिन का मिलता नहीं था। लेकिन एक रुपए की जमानत नहीं एक रुपए का लोन नहीं और इसलिए गांव पिछड़ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी समस्या को समझा और उन्होंने क्रांतिकारी निर्णय लेकर और ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए जिसके कारण अब गांव का ड्रोन कैमरे से सर्वे हो रहा है हाँ हाँ। और सर्वे होकर उसको मालिकान हक मिलते से ही उसकी उदाहरण देश का मेरा हरदा जिला है से मैं हूं। जब मैं विधायक जब राजस्व मंत्री था तब तो मैंने योजना बनाई थी अच्छा अच्छा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक दो अक्टूबर दो हजार को गांधी जयंती के दिन हमने दो गांव मसन गांव और भाटपरेटिया में इसको पायलट प्रोजेक्ट में लेकर पूरे पंद्रह सो चौवन प्लाट के मा, मालिकाना हक हमने गांव में वहां मसनगा में दी और तीन सौ चौरासी के भाट पर्टिया में और उससे मुख्यमंत्री आवास योजना बनी गई कच्चे आच्छा। मकान बनते थे पूरे प्रदेश प्रदेश में, प्रदेश में -प्रदेश में में पक्के मकान मध्य बने मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था उसके बाद फिर ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई लेकिन प्रधानमंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी नरेंद्र सिंह तोमर जी राजस्व ग्रामीण और उसके कारण उन्होंने लागू किया और छह अक्टूबर दो अभी हम्म 21 को मेरा 60वां जन्मदिन था उस दिन मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मुख्य प्रधानमंत्री जी के मुख्य अतिथि में वहीं से वर्चुअल संबोधित किया हरदा जिले के अंदर 402 गांव हैं हम्म 46944 प्लाट हैं वो हमने सबका ड्रोन सर्वे कराकर प्रधानमंत्री जी, जी, हाँ जी के हाथ से हाँ। बटवाए हाँ। तो मुख्यमंत्री की वैल्यू हो गई हाँ। 402 गांव के छियालीस नौ सौ चौबालीस प्लाट की सात सौ बीस करोड़ से ऊपर अब ये सात सौ बीस करोड़ रुपए से लोन लेकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं व्यवसाय कर सकते है उद्योग लगा सकते हैं सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं अब मान लो गाँव में हमने एक इंडस्ट्री लगाई तो हमको 40 परसेंट सब्सिडी मिलेगी हाँ। वेयर हाउस बनाएंगे तैंतीस परसेंट किसानों की जो बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी इससे है। दूर होगी जी बिल्कुल सर... दो हाथ को काम मिलेगा हाँ। और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा पलायन रुकेगा हाँ। ये आजाद भारत की मैंने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी ने गांव को सही मायने में आजादी तो अब मिली मिले ठीक है विकास के अब खुले गांव की अब तकदीर और बदलेगी दशा और दिशा बदलेगी और गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का वो इससे साबित होगा भारत सोने की चिड़िया बनेगा बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं हम और कामना भी यही है एक छोटा सा सवाल और संक्षेप में चलते चलते सर आपका जो कार्यकाल रहा क्या उपलब्धियां बताना चाहेंगे शिवराज सरकार की और आपकी कार्यकाल चूंकि मैंने कहा कि मैं पहले किसान

पूरे प्रदेश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है उसको हमने चैतार्थ किया और बीस बीस क्विंटल पूरे प्रदेश का चना सरसों मसूर खरीदा है है। और मई की बजाय हमने फरवरी में खरीद, मार्च में पंद्रह मार्च से खरीदना शुरू किया इस बार हम दस मार्च नहीं से नहीं किसान के पास जल्दी पैसा कारण लगा। जो किसान एकदम फसल आते से ही मंडी में जाता था तो मंडी के अंदर माल ज्यादा हो जाता था पूर्ति ज्यादा होती थी व्यापारी कम होता तो भाव गिरता था लेकिन हमने जब बीस बीस क्विंटल किया एक दिन की सीमा थी मनमोहन सिंह जी ने लगा के थे जब 2004 में प्रधानमंत्री बने खरीदना ना पड़े इनको समर्थन मूल्य पे पैसा लगे इसलिए उन्होंने आ, इसको आ, जी। 25 कुंटल की जी। एक दिन में सीमा लगा दी थी, थी वो आ, हमने हटवाई भारत सरकार से आ, देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश और उसके कारण पूरा माल किसानों का समर्थन मूल्य पे आने लगा तो व्यापारी को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ तो उनकी मजबूरी हो गई समर्थन मूल्य से ऊपर बोली लगाने का और इसलिए समर्थन मूल्य से ऊपर रेट किसानों को चना सरसों मसूर में हमने दिलाए जिससे दस हजार करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के किसान को हमने ज्यादा दिलाए यानी आय जो भर लोगों के पास दस हजार करोड़ व्यापारी उद्योगपति बिचौलिये कमाते थे किसानों किसानों को मिला और इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प किसान की आय आदोगुना करने का हमने इक्कीस में ही पूरा कर दिया चले एक और हम जानना चाहेंगे फसल बीमा योजना के बारे में उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए देखिए आजादी के इन पिछहत्तर वर्ष में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तब पहली बार भारत में फसल बीमा योजना लाई गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने इसमें और सुधार किया हमने आते से ही पिचहत्तर परसेंट को वापस सौ परसेंट स्केल फाइनेंस किया ताकि किसान को फसल की क्षति का पूरा लाभ सौ परसेंट अगर क्षति है तो उसको मिले और उसके कारण हमने प्रीमियम भी जमा किया तो पिछले बार हमने नौ करोड़ से अधिक राशि किसानों को खातों में डाली बीमा की और इस बार 20 और 21 का जो सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी खराब फसल का कभी बीमा नहीं होता नहीं। लेकिन हमने बीमा की तारीख बढ़ाते गए 31 जुलाई लास्ट डेट थे थी थे। उसको अगस्त किया सितंबर किया और आरिणी किसानों का बीमा कराया डिफाल्टर किसानों का बीमा कराया उसके कारण उन पचास लाख पिचासी हजार किसानों के खातों में हमने सात करोड़ रुपए डाले हैं ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है इन दो वर्षों के अंदर 22 महीने में हमने किसानों को सत्रह हजार करोड़ से अधिक राशि तो फसल बीमा योजना में दे दी आर बी सी में राहत के रूप में दे दी हजारों करोड़ की राशि और किसान सम्मान निधि के रूप में अभी तक इन 22 महीनों में किसानों के खातों में एक लाख करोड़ रुपए किसानों को खातों में ये बहुत, बहुत बड़ी सौगात है किसान लिए अपनी जी। आय बढ़ाने में हाँ। आत्मनिर्भर होने में और प्रधानमंत्री हाँ। का जो संकल्प है किसान की आदमुना करने में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने इक्कीस में ही पूरा किया बिल्कुल जाहिर सी बातें देखिए जिन और किसानों का खेती किसानी से मोह भंग हो रहा था वापस कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के की इन योजनाओं की वजह से किसान जो है फिर से खेती किसानी की और कृषि की ओर अग्रसर हुआ है सर तो ये देखिए बहुत बढ़िया बात कही है कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है और किसान पुत्र हैं स्वयं कमल पटेल जी जिन्होंने किसानों की जो असली समस्याएं होती हैं उनको समझा उनको दूर भी किया और लगातार वो प्रयासरत भी हैं और सर बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कृषि दर्शन चौपाल में जुड़ने के लिए आपने वक्त दिया सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत। और किसान भाइयों अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों खबरें खेती में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर फसल क्षति सहायता राशि का रिकॉर्ड वितरण सरसों गेहूं और अलसी की उन्नत किस्में विकसित पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान मल्टी क्रॉप प्लांटर और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना और आखिर में मौसम आधारित कृषि सलाह और अब खबरें विस्तार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है कृषि उत्पादन को बढ़ाना उत्पादन की लागत को कम करना कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना राज्य सरकार के प्रयासों में शामिल है इन्हीं प्रयासों के चलते हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण कर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है किसानों के उनचास लाख फसल क्षति के दावों में 1,718 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित की गई यह फसल बीमा राशि प्रदेश के प्रभावित किसानों के लिए संजीवनी बनी है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों के हर सुख दुख में मैं हमेशा साथ रहा हूं और साथ रहूंगा प्राकृतिक आपदा हो या बाढ़ बारिश ओलावृष्टि फसलों पर आए संकट में किसानों को कभी भी आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी राहत राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है किसानों को लाभान्वित करने के लिए सरकार द्वारा नवाचारों को भी निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर ने अलसी गेहूं व सरसों की नई किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों की विशेषता यह है कि यह रोग प्रतिरोधी किस्में हैं कम समवायाधि में की होने के साथ, किसान कम लागत में बंजर तथा ऊसर भूमि से भी अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं अलसी की उन्नत किस्म एल सी के पंद्रह सोलह गेहूँ की किस्म के सत्रह ग्यारह सरसों की किस्म के एम आर एल एक सौ छप्पन विकसित की गई हैं पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराने से हमारा नर पशु पालने का खर्च बच जाता है साथ ही सांड या नर पशु से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हो जाती है साधारण तौर पर गाय एवं भैंस ब्याने के लगभग तीन महीने के बाद मध्यकाल में आ जाती हैं पर ध्यान रहे दो ब्यातों के बीच चौदह से पंद्रह माह का अंतर होना चाहिए ऐसा करने से पशुओं की प्रजनन समस्याओं की पहचान हो जाती है जिसके कारण गभित गाय की सही पहचान से आर्थिक नुकसान से बच जा, जा सकता है कृत्रिम से छोटी गायों का भी गर्भधारण किया जा सकता है और करने के समय चोट लगने का डर नहीं रहता देशी गायों को जर्सी एवं होलेस्टीन फ्रीजियन से एवं भैंसों को मुर्रा नस्ल के सीमेंट से गर्भधारण कराकर उन्नत नस्ल के पशुधन प्राप्त कर सकते हैं बहुफसली बोनी मशीन द्वारा मक्का मटर मूंगफली, सूरजमुखी सोयाबीन बाजरा चना और कपास के बीज बोने के लिए प्रयोग किया जाता है उक्त बीजों का अंतर रखने के लिए कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी निश्चित रहती है इस यंत्र से एक से अधिक फसलों की बुआई एक ही समय में की जा सकती है राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना एक पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उपज मंडी समिति का एक प्रसार है ई नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन कीमतों व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने के व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल हैं। और अंत में मौसम पर सलाह किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आम की फसल पर मैंगो हॉपर का प्रयोग जनवरी से मार्च तक होता है इस कीट के वयस्क हरे भूरे रंग के होते हैं जिससे शरीर पर काली व पीली रेखाएं होती हैं इस कीट के शिशु लाल रंग के तथा सफ़ेद आंख वाले होते हैं जो बाद में पीले रंग के हो जाते हैं ये कीट पत्तियों और तथा फूलों का रस चूसते हैं जिसके कारण फल व फूल झड़ने लगते हैं साथ ही ये कीट एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्तियों पर फैल जाता है और बाद में इस पर काली फफूंद उत्पन्न हो जाती है जिस के कारण उत्पादन प्रभावित होता है इस कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा की दो मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर दो से तीन छिड़काव पंद्रह पंद्रह दिन के अंतराल पर करें तो किसान भाइयों आज खबरें खेती में बस इतना ही अब मुझे आज्ञा दीजिए नमस्कार